दिल्ली हिंसा के बाद रामपुर पुलिस हाई अलर्ट पर है। नागरिकता संशोधन बिल और एनआरसी के विरोध में रामपुर में 21 दिसंबर को हो चुकी हिंसा के बाद किसी भी स्थिति से निपटने के लिए चप्पे चप्पे पर फोर्स मौजूद है। चारों तरफ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। जुम्मे की नमाज को सकुशल निपटाने की चुनौती पुलिस के सामने है। वहीं धर्मगुरुओं से पुलिस प्रशासन की अपील है कि कोई भी गड़बड़ी न होने दे। इसके अलावा पुलिस शहर के लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं बरेली में भी जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। जुम्मे की नमाज के बाद सीए को लेकर कोई हिंसक उपद्रव ना हो, इसके लिए बरेली में भी पुलिस अलर्ट रखा गया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। तो बरेली में जुम्मे की नमाज है और वहां पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती की गई है। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको यहां पर तय करने की कोशिश की जा रही है। एनआरसी के मुद्दे पर जिस तरीके से हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, उसी क्रम में बरेली में भी अलर्ट है। आपको बता दें कि आज जुमे की नमाज है, इसके मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। बात की जाए देर रात की, तो यहाँ पर बीती रात एसएसपी ने तमाम आला अधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च किया है। इस समय लगभग सुबह 8:30 बज रहे हैं। आपको बता दें कि एसपी सिटी कार्यालय का नज़ारा ये है कि यहाँ पर एक भी आदमी नहीं है। बात की जाए शहर की कोतवाली की, तो यहाँ पर भी पुलिस फोर्स दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में अगर कोई घटना हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? भीम मनोहर, R9 न्यूज़, बरेली।